मेरा सवाल ये था कि ये जो शिरक है, जैसे अभी ख्वाहिशात का भी होता है ना, बंदा अपने नफ्स का भी शिरक हो जाता है, तो ये हर किसी के लिए उसी तरह होगा या सवाल उसी से या उसके इलम के हिसाब से ही होगा फिर कल क्यामत के दिन? ये मतलब एक तो जाहरी शिरक है ना कि जाहरी चीज़ का करना, और एक है बातनी जैसे हो जाता है। इतने मुश्किल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहली बात तो ये है कि ये तो अल्लाह का उसूल है कि हर बंदे से ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला कोई बोझ नहीं डालता सवाए इसके कि जितना कोई भी जान उठा सके। तो सवाल तो हर एक से उसकी इस्तेआत और उसके इल्म और उसके मुताबिक ही होना है। लेकिन ये बात भी जहन में नशीन रहनी चाहिए कि अब इंसान ये ना सोचे कि मुझे किसी ने ये ख़ास बात बताई थी या नहीं बताई थी। अगर उसूल बता दिया था तो भी आपके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मानने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के सारे अहकाम आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, और उसमें आपका भी काम है कि उसकी खोज में लगे रहें कि दीन सीखने की। लेकिन बुनियादी उसूल वैसे भी इंसान को पता होते हैं। जब अल्लाह ताला ने यह बयान कर दिया है कि इस दुनिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे सूरह काफ में कि जब जैसे पानी बारिश का बरसता है तो वो दिखता है, लेकिन जब हवा चलती है धूप लगती है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे था ही नहीं। तो जब इस दुनिया की मिसाल ऐसी है तो और इस दुनिया का मामला ऐसा है कि ये मता है, इल्ला मताउल गुरूर, खाली मता ही नहीं है, मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। अब देखें ना, यहाँ पे टेम्परेचर भी ठीक है, चाय भी मिल रही है और ऑल इज़ वेल, लेकिन अगर फरीद भाई कह दें कि जी मैंने जाना ही नहीं है, मैं तो इधर ही बैठूँगा, ठीक है, ये कप बड़ा अच्छा है, कप नहीं मैंने देना, ठीक है, और ये प्लेट मैंने नहीं देनी, बस ये तो मैंने ना मैंने कुर्सी छोड़नी, तो वो हर एक को समझ आएगी ना कि ये तो मता थी, इस्तेमाल करने की चीज़ थी, या मूव ऑन करना है, आगे जाना है। वो अभी तो सिर्फ बस में आए हैं तो ये बस के अंदर हीटिंग भी हुई होगी, शायद एलसीडी भी लगी हो, सारा कुछ हो, तो अब वो तो सिर्फ कर नहीं, नहीं नहीं बस मैंने तो आइंदा से इधर ही बैठना है। तो मता उसको कहते हैं जो ज़रूरत की चीज़ होती है, चाहे जितनी भी अच्छी थी लेकिन वो ज़रूरत की चीज़ थी, उसके साथ मोहब्बत तो नहीं रखनी थी, बस गुजर गए आगे अपने अगले उस पर जाना है। इसी तरह दुनिया का मामला भी मता का है। तो इसमें अगर बुनियादी उसूल बंदे का ख़राब है, यानी वो बुनियादी तौर पर मोहब्बत करता है इस दुनिया से, तो वो खुद ब खुद उसका मामला ऐसा ही बन जाता है कि वो इस दुनिया को तरजीह देता है आखरत के ऊपर, और वो हर हर मामले में कर रहा होता है, और यही तो होती है नफ्स की पूजा। अल्लाह का उसूल ये है कि खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को बहुत से मोहब्बत करता है। बहुत तवक्कल क्या होता है कि सब अल्लाह पे छोड़, और फिर क्या करता है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, तवक्कल करेंगे तो फिर वो लाजमी पूरा भी हो जाएगा, वो फिर अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इस दुनिया और इसकी चीज़ों से जो मोहब्बत रखेगा और उसकी तलब में पड़ जाएगा, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के तवक्कल में कम और ज़ोर बाजू और असबाब पे ज़्यादा जा रहा है। और अभी किसी ने वो शेर भी सुना रहे थे कि मोमिन है तो वो क्या है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अब ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे तबूक के लिए साथियों से कंट्रीब्यूशन जमा नहीं की थी, ऐसा नहीं कि तलवारें जमा नहीं करते थे, तीर और नेज़े नहीं लेकर जाते थे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ देते थे। बचपन में मेरे नाना अबू ने मुझे एक मिसाल समझाई थी, बड़ी अच्छी मुझे याद रह गई। उन्होंने कहा कि किसी जगह पे समझने के लिए कहावत है कि कंपटीशन हुआ और सारे बच्चों को एक क्वेश्चन दिया गया और उनसे पूछा गया कि अगर आपको अल्लाह ताला ये कहे कि मेरे पास आ जाओ तो आप क्या करेंगे। किसी ने कहा कि जहाज़ में बैठ के चला जाऊंगा, किसी ने कहा कि पैसे जमा करूंगा, किसी ने कहा कि मैं दुआ करूंगा, ज़्यादातर ने यही कहा कि अल्लाह के पास जाने का तो यही तरीका, दुआ करूँगा या अल्लाह आप आए और मुझे ले जाए, मैं तो नहीं आ सकता। तो सारे सवालात में
ज़्यादा कॉमन भी यही था, ज़्यादा आंसर्स में यही था कि हम बस अल्लाह से ही मांगें कि अल्लाह के पास ले जाए। और एग्जामिनर्स को भी यही समझ आ रही थी कि ये तो बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह से ही मांगें कि अल्लाह आप भी हमें आके ले जाए। लेकिन वो अपने डिसीजन लेने ही वाले थे कि उन्हें एक आंसर नज़र आया और उन्होंने कहा कि हमें ये जो आंसर है ना, ये हमें भी सिखा गया, हमें भी ये आंसर नहीं पता था। एक बच्चे ने आंसर लिखा हुआ था कि मैं ये करूँगा कि मैं अपने बाबा से कहूँगा कि पैसे जमा करें और ख़ुद भी जमा करूँ, उसके बाद उन पैसों का हम इस्तेमाल करेंगे, जितनी भी दूर हमें ऊंची से ऊंची कोई इमारत चोटी कोई भी चीज़ नज़र आई वहाँ जाएंगे। वहाँ जब हम पहुँच जाएंगे ना तो अपने साथ हम घर से ना सीढ़ी कुर्सी चीज़ें सब लेकर जाएंगे जितनी हम लेके जा सकें, और फिर वो उस चोटी के ऊपर वो रखेंगे, उसके भी ऊपर चढ़ेंगे, और फिर वहाँ से कोई पत्थर टहनी जो मिला वो भी चढ़ के और ऊपर हाथ भी कर लेंगे। फिर मैं अल्लाह ताला से कहूँगा कि अल्लाह मैं यहाँ तक आ सकता था, मैं आ गया, आज मेरे बस में यही था, अब आप आगे से मुझे ले जाए। और यही तरीका मोहम्मद रसूलल्लाह का भी था, सहाबा का भी था, और यही होता है असबाब और तवक्कुल के राइट कम्बिनेशन, कि जो आपसे बन पड़ती है वो पूरी करें, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें। ये दीनी मामलात में भी है, दुनियावी मामलात में भी है। वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल में से तलाश करो रिज्क, अल्लाह ताला का से तलाश, अल्लाह के ज़िम्मे है। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलादों को तुम्हें हम रिज्क देते हैं, लेकिन साथ में क्या क्या, वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल तलाश करो, तलाश करना मेरा काम है, रिज्क देना उसका काम है। तो ये ख्वाहिशें तब आती हैं कि जब मैं ये कम्बिनेशन गलत कर देता हूँ। अगर जितने बच्चों ने कहा कि मैं जहाज़ में बैठूंगा फिर और फ्यूल डलाऊंगा और ऊपर चलाऊंगा, मैं बड़ा जहाज़ बनाऊंगा, मैं बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा, फिर मैं ऐसी चीज़ ईजाद करूंगा कि अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाए, तो गलत हो गया ना। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मी, अल्लाह ताला जब तक इल्म ना दे, अल्लाह ताला जब तक तौफीक ना दे, कौन ऐसा जहाज़ बना सकता है कि अर्श तक पहुँच जाए। और जिसने ये कहा कि सिर्फ सजदे करूँगा तो वो तो है ला रहबानियत फिल इस्लाम, उसने तो रहबानियत इस्तेमाल कर ली, उसने तदबीर कोई भी ना की। तो ये रिस्क का भी मामला यही है, दुनिया का भी, तमाम तर मामलात का भी यही है कि जो दुनिया की मोहब्बत को तवक्कुल से बढ़ा देता है, राइट कम्बिनेशन से आउट हो जाता है, वो नफ्स की पूजा में चला जाता है और वही शिर्क है। ठीक है, आपका आंसर जॉब का भी हो गया, लेकिन ओवरऑल भी आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो गए होंगे। तो असल बात यह कि वो अंदर से खुद बंदे को पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। होपफुली आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन।